मुरादाबाद में कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ रहा है। मंगलवार की रात और 21 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। पॉजिटिव मिले लोगों की संख्या अब 94 हो गई है। मंगलवार देर रात प्रशासन को लखनऊ से 80 लोगों की सैंपल रिपोर्ट मिली। इसमें से 21 में कोरोना पॉजिटिव निकला, जबकि 37 की रिपोर्ट निगेटिव आई है। दो महिलाओं के साथ एक 10 वर्षीय बालक, 13 वर्षीय किशोर, जबकि एक 3 वर्षीय बालक को भी कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। इन सभी के सैंपल 18 अप्रैल को भेजे गए थे। चिंता की बात यह है कि 22 रिपोर्ट में संशय की स्थिति बनी है, यानी इनकी दोबारा जांच करानी होगी। मुरादाबाद में एक साथ पॉजिटिव आए लोगों की अब तक की सबसे बड़ी संख्या है। इसके लिए देर रात ही अधिकारियों में मंथन शुरू हो गया था। गुरुवार को इसके लिए बड़े स्तर पर काम करने की तैयारी पर विचार किया जा रहा है। नए इलाकों में कोरोना ने दस्तक दे दी है। इन सभी क्षेत्रों को लेकर प्रशासन चिंतित है। इन्हीं नए क्षेत्रों पर फोकस किया जाएगा। गुरुवार से इन इलाकों को हॉटस्पॉट घोषित किया जा सकता है। देखिए, रात में 80 सैंपल के रिजल्ट आए हैं। इनमें से 21 सैंपल पॉजिटिव रिजल्ट है, 37 का नेगेटिव है, एवं 22 सैंपल में रिपीट सैंपल भेजने के निर्देश आए हैं। इनमें से 11 केस हमारे पुराने हॉट स्पॉट के हैं, 6 केस कांठ में गढ़ी नामक गांव से आए हैं और ये नया एपी सेंटर बनेगा और ये सभी 6 लोग निजामुद्दीन मरकज से लौटे हैं। इसके अलावा भोजपुर में 2 गांव में नए एपी सेंटर डेवलप हुए हैं और उनमें एक एक केस पॉजिटिव आया है। एक गाजीपुरा गांव में सदर तहसील में नया एपी सेंटर डेवलप हुआ है।